हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक से जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन समस्त क्वेश्चनों को संकलित करके इस वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है, ताकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया सके। और जब भी आप इस वीडियो को देख करके परीक्षा में जाएं, तो इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करने, बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एक है कि किस विचारक को अपने युग का शिशु कहा जाता है? ए बेंथम, बी हॉब्स, सी मैकियावेली या डी कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा सी मैकियावेली। मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है और मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक का सी मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर दो है फ्रेंड्स कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। यह कथन किसका है? ए मैकियावेली का, बी कार्ल मार्क्स का, सी अरस्तू का, डी रूसो का। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा ए मैकियावेली। फ्रेंड्स, मैकियावेली का ऐसा मानना है कि व्यक्ति के अंदर जो है वो धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति एक नंबर का स्वार्थी और लालची होता है। वह संपत्ति से बहुत प्यार करता है। एक तरफ यदि उसके पिता की कोई हत्या कर देता है तो उसको तो वो भूल सकता है, लेकिन किसी ने उसकी संपत्ति को छीन लिया है तो उसको नहीं भूल सकता है। इसी बात को मैकियावेली ने लिखा है कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति जो है अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। तो यह कथन किसका है? यह मैकियावेली का है। तो क्वेश्चन नंबर दो का ए मैकियावेली सही है। क्वेश्चन नंबर तीन है फ्रेंड्स कि आधुनिक अर्थ में राज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए प्लेटो ने, बी अरस्तू ने, सी ग्रीन ने या डी मैकियावेली ने। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा डी मैकियावेली। मैकियावेली ने आधुनिक युग में अगर पूछे कि राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया तो मैकियावेली। संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया तो जीन बोदा ने किया था। तो यहाँ राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया यह पूछा गया है, तो उत्तर आपका होगा मैकियावेली। तो क्वेश्चन नंबर तीन का मैकियावेली सही है। क्वेश्चन नंबर चार है फ्रेंड्स कि किस विचारक के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए? ए हॉब्स, बी बेंथम, सी मैकियावेली या डी अरस्तू। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा सी मैकियावेली। मैकियावेली यह मानता है कि व्यक्ति जो है स्वार्थी होता है, दुष्चरित्र होता है, लालची होता है। तो जहां ऐसे व्यक्तियों से मिलकर कोई समाज बनेगा तो उस समाज में ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक निरंकुश राजा होना चाहिए। और राजा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। उसका कहना है कि शेर जो है शक्तिशाली होता है, लेकिन चालाक ना होने के कारण वो जाल में फंस जाता है। और लोमड़ी चालाक तो होती है, लेकिन वो भेड़िए से रक्षा नहीं कर सकती क्योंकि वो ताकतवर नहीं होती है। तो मैकियावेली का मानना है कि राजा को ऐसा होना चाहिए जिसमें शेर का ताकत और लोमड़ी का चालाकी दोनों होने चाहिए। भेड़ियों को डराने के लिए उसके अंदर शेर की ताकत होनी चाहिए और छल कपट जानने के लिए उसके अंदर लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए। तो मैकियावेली ऐसा बेचारा था जो मानता था कि राजा के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर चार का सी मैकियावेली सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच है फ्रेंड्स कि यह कथन किसका है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी वास्तव में अपने युग का शिशु था? मैक्सिका, डनिंग का, बेंथम का या ग्रीन का। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा बी डनिंग। डनिंग जो है उसने जो है मैकियावेली के विषय में यह स्टेटमेंट दिया था कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। क्योंकि फ्लोरेंस में मैकियावेली का जन्म था, फ्लोरेंस जन्म हुआ था, फ्लोरेंस जो है वो इटली में है, तो उसी परिपेक्ष में मैकियावेली के परिपेक्ष में डनिंग का यह स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का बी डनिंग सही होगा। क्वेश्चन नंबर छः है फ्रेंड्स कि प्रिंस किसकी रचना है? ए बोदा की, बी मैकियावेली की, सी लॉक की या डी बेंथम की। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत फेमस पुस्तक है और आप इसको उत्तर जान भी गए होंगे। प्रिंस जो है यह मैकियावेली की पुस्तक है जिसमें उसने निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की थी। तो क्वेश्चन नंबर छः का बी मैकियावेली सही होगा। क्वेश्चन नंबर सात है फ्रेंड्स
कि निम्न में से किस विद्वान को इटली का चाणक्य कहा जाता है? ए ग्राशमी, बी बेंथम, सी बूंदा या डी मैकियावेली। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा डी मैकियावेली। मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य भारत के थे। उन्होंने राजनीति में राजा को जो है एक मतलब राजतंत्र की कल्पना की थी, जिसमें राजा को नैतिकता पर ध्यान न देते हुए राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। उसी तरह से मैकियावेली ने भी इटली में कहा, उसने कहा कि राजा जो है वो यह न सोचे कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, राज्य की सुरक्षा के करते समय यदि उसको अनैतिक कार्य भी करना पड़े तो उसको करना चाहिए। तो वो नैतिकता से जो है राजनीति को पृथक करता है, तो इस कारण से उसको इटली का चाणक्य कहा जाता है। तो किस विद्वान को इटली का चाणक्य कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी मैकियावेली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि आधुनिक राज दर्शन का जनक या आधुनिक युग का जनक किसे माना जाता है? ए प्लेटो को, बी एक्विनास को, सी मैकियावेली को या डी अरस्तु को। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर भी होगा सी मैकियावेली। चाहे कहिए आधुनिक राज दर्शन का जनक या कहिए आधुनिक युग का जनक, दोनों बात एक ही है और दोनों का जनक जो है वो मैकियावेली को माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैकियावेली की विचारधारा जो है उसकी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आधुनिक युग की जो बहुत सी विशेषताएं हैं जो मैकियावेली की विचारधारा में पाई जाती हैं, जिसके कारण से उसको आधुनिक युग का जनक या आधुनिक राजदर्शन का जनक माना जाता है। जैसे वो मैकियावेली की विचारधारा में आपको राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक के रूप में आपको मैकियावेली को देखोगे। मैकियावेली जो है शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता माना जाता है, क्योंकि शक्तिवादी राजनीति जो है वो आधुनिक युग की देन है और ये मैकियावेली की विचारधारा में मिलता है। सबसे पहले मैकियावेली जो है वो राज्य को सर्वोपरि संस्था मानता है, सर्वोच्च संस्था मानता है। मैकियावेली ने राजनीति को जो है वो नैतिकता और धर्म से पृथक किया। तो ये सारी विचारधाराएँ जो है आधुनिक युग की हैं, इसीलिए और मैकियावेली की विचारधारा में पाई जाती हैं, इसलिए मैकियावेली को आधुनिक दर्शन का जनक या आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी मैकियावेली सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है, यह कथन किस विद्वान का है? ए डब्ल्यू टी जोन्स, बी गैटल, सी गार्डनर या डी मैक्सी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा ए डब्ल्यू टी जोन्स। डब्ल्यू टी जोन्स ने का यह स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने कहा है कि मैकियावेली जो है वो अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ था। तो यह स्टेटमेंट डब्ल्यू टी जोन्स का है, तो 9th का ए डब्ल्यू टी जोन्स सही है। क्वेश्चन नंबर 10th है फ्रेंड्स कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है। ए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, बी अनुभववाद और इतिहासवाद, सी विवेक एवं विश्वास और डी निगमनात्मक और आगमनात्मक। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा बी अनुभववाद और इतिहासवाद। मैकियावेली ने अपनी अध्ययन पद्धति में फ्रेंड्स अनुभववाद और इतिहासवाद को अपनाया। इसके पहले जो था मध्ययुग था। अब मध्ययुग में जो चिंतन थी उसमें ईसाई धर्म की प्रधानता थी। उसमें किसी बात की जो प्रामाणिकता जो है वो ईश्वरीय आदेश, रूढ़ियों, परंपराओं इत्यादि के आधार पर सिद्ध की जाती थी। लेकिन मैकियावेली ने इस पद्धति को छोड़ दिया, उसने इस पद्धति का तिलांजल कर दिया और उसने जो है एक नई परंपरा स्थापित की जिसको कि हम अनुभववाद और इतिहासवाद के नाम से जानते हैं। उसने सर्वप्रथम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो है अपनी धारणाओं का निर्माण किया और अपनी मान्यताओं को व्यवहारिक अनुभव के सहारे सिद्ध किया। यानी अभी तक जो मध्ययुग में जो है जो ये माना जाता था ईश्वरीय आदेश रूढ़ी परंपराओं के आधार पर जो है किसी चीज़ की प्रामाणिकता को स्वीकार किया था कि किताबों में ऐसा लिखा गया है, धार्मिक किताबों में कि नहीं लिखा गया है, हमारी परंपराएं ये मानती हैं कि नहीं मानती हैं, उसी बात को स्वीकार किया था। लेकिन मैकियावेली ने एक नई चीज़ याद की। उसने कहा कि नहीं, हम अनुभव के आधार पर देखेंगे कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, हम इतिहास के आधार पर देखेंगे कि इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं वो इस तरह से ये सही कहलाती हैं, इस चीज़ को सही सिद्ध करती हैं कि नहीं करती हैं। तो उसने इतिहास के आधार पर, अनुभव के आधार पर चीज़ों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया। तो इस तरह से उसने जो है मध्ययुग की जो चिंतन पद्धति थी, मध्ययुग की जो अध्ययन पद्धति थी उसको छोड़ करके उसने एक आधुनिक अध्ययन पद्धति को अपनाया जिसको हम अनुभववाद और इतिहासवाद के नाम से जानते हैं। तो मैकियावेली की अध्ययन की पद्धति की विशेषता जो है वो अनुभववाद और इतिहासवाद है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि किसने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना? ए मैक्सी, बी गैटेल, सी बार्कर और डी प्रोफेसर हंसा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा डी प्रोफेसर हंसा। फ्रेंड्स मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य का विचार दिया।
और राष्ट्र राज्य का विचार देने के कारण, राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक होने के कारण इसको हम आधुनिक युग का जनक भी मानते हैं। मैंने कहा कि मैकियावेली की विचारधारा में बहुत से ऐसे तत्व थे, बहुत से ऐसी विशेषताएं थी आधुनिक युग की जो उसको आधुनिक युग का जनक बनाती हैं। उसमें से एक था राष्ट्र राज्य का विचारधारा भी। तो मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य का विचार रखा। जिन दिनों मैकियावेली अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहा था उस समय जो है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि में जो है राष्ट्र राज्य का उदय हो चुका था, लेकिन इटली में ऐसा नहीं हुआ था। इटली जो है कई भागों में विभाजित था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था और हर टुकड़े का अपना एक राजा हुआ करता था। वो हर राज्य के जो है जो नागरिक होते थे वो स्वार्थी, लालची, धन लोलुप थे। और इसके अलावा जो इटली के बाहरी पड़ोसी राज्य थे, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इनकी भी ललचाई दृष्टि इटली पर लगी होती थी। तो मैकियावेली को ये लगता था कि इटली को अगर राष्ट्र राज्य बनाना है तो एक ऐसे राजा की होना ज़रूरी है और निरंकुश राजा का होना ज़रूरी है जो इन स्वार्थी तत्वों पर जो हैं उन पर नियंत्रण रख सके और पड़ोसी देशों की जो ललचाई दृष्टि जो है इटली पर लगी हुई है उनसे भी राज्य को बचा सके। इसीलिए उसने प्रिंस में जो है वह एक निरंकुश राजा की कल्पना करता है जिसके अंदर शेर का ताकत होनी चाहिए और अपने विरोधियों को पछाड़ने के लिए जो है लोमड़ी की चालाकी होना चाहिए। तो मैकियावेली जो है वो इटली के राष्ट्रीयकरण के प्रति चिंतित था। इस तरह से उसने राष्ट्र राज्य की अवधारणा का एक तरह से वो जनक बन गया, राष्ट्र राज्य का संदेश वाहक बन गया। और इसी बात को प्रोफेसर हर्ट्ज़ ने लिखा है कि मैकियावेली राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि मैकियावेली के अनुसार साध्य ही साधनों का औचित्य है, साधन ही साध्य का औचित्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सबकी सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा ए, साध्य ही साधनों का औचित्य है। मैकियावेली साध्य और साधन में साध्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। मैकियावेली साध्य किसको मानते हैं पहले ये देखिए। मैकियावेली राज्य और राज्य की सुरक्षा को श्रेष्ठ मानते हैं, इसको साध्य मानते हैं और इस व्यक्ति को एक तरह से वो साधन मानते हैं। तो साध्य कौन हुआ? राज्य और उसकी सुरक्षा। और राज्य और उसकी सुरक्षा की सिद्धि के लिए मैकियावेली किसी भी साधन को अपनाने के पक्ष में है। वो कहते हैं कि राज्य की सुरक्षा खतरे में है तो राजा को यह नहीं देखना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है। उसको तो केवल राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए और राज्य की सुरक्षा के लिए अगर उसको अनैतिक कार्य भी करना पड़े तो वो भी सही है। वो एक जगह कहते हैं कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव ही आदरणीय होंगे और उसकी समान रूप से प्रशंसा की जाएगी। उन्होंने कहा अगर राज्य की सुरक्षा खतरे में है तो कोई भी साधन अपनाइए लेकिन राज्य की सुरक्षा कीजिए, और जो भी साधन आप अपनाएंगे उसकी प्रशंसा होगी क्योंकि आपने राज्य को बचा लिया। तो एक तरह से वो साध्य पर जोर देते हैं, साधनों पर नहीं। ये इसीलिए उन्होंने कहा कि साध्य ही साधनों का औचित्य है। आप गांधी जी को पढ़े होंगे, गांधी जी ने कहा कि साध्य भी पवित्र होना चाहिए हमारा और साधन भी पवित्र होना चाहिए। यानी साध्य की प्राप्ति के लिए हम गलत साधनों का प्रयोग न करें। यानी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर गांधी जी जोर देते हैं, लेकिन मैकियावेली ऐसे नहीं है। मैकियावेली साध्य की पवित्रता पर तो जोर देते हैं लेकिन साधन की पवित्रता पर जोर नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह का साधन अपनाया जा सकता है, साध्य ही साधनों का औचित्य है। मैकियावेली के अनुसार क्या होगा? साध्य ही साधनों का औचित्य होगा। 12 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था मैकियावेली, हॉब्स, नीत्से या मार्क्स। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा ए, मैकियावेली। आप समझ गए होंगे, मैकियावेली को आधुनिक युग का जो जनक कहते हैं, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसने जो है आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान को नैतिकता से, धर्म से अलग किया। मध्य युग में धर्म का राजनीति पर बहुत प्रभाव था, धर्म ही एक तरह से श्रेष्ठ था, वो डिसाइड करता था कि राजनीति या राजा को क्या करना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने इसको बदल दिया, उसने कहा कि राज्य में राजा या राज्य जो है वो श्रेष्ठ है, उसके ऊपर कोई संस्था नहीं है। धर्म वगैरह जो है वो जितनी संस्थाएँ हैं वो राज्य की अधीनता में ही फल फूल सकती हैं और धर्म को राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस तरह से आधुनिक युग में राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करने वाला पहला विचारक जो था वो मैकियावेली था। यही काम जो है प्राचीन युग में अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने को राजनीति विज्ञान का हम जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किया था, और आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान को धर्म और नैतिकता से पृथक किसने किया? मैकियावेली ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मैकियावेली ने किसकी भांति राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए, अरस्तु, बी, प्लेटो, सी, हॉब्स या डी, मार्क्स। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा सी, हॉब्स।
मैकियावेली का जब आप पढ़ेंगे तो हॉब्स ने जिस तरह से मानव के बुरे पक्ष का चित्रण किया, मानव को स्वार्थी एकाकी लालची बताया, उसी तरह से मैकियावेली ने भी मानव स्वभाव को स्वार्थी लालची बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण, उसकी लालची और पाशविक प्रवृत्ति के कारण ही राज्य की आवश्यकता हुई, लोगों ने राज्य को का निर्माण किया समझौता करके। लेकिन उसने शक्ति को भी महत्वपूर्ण माना राज्य की उत्पत्ति में, संविदा मतलब वो हॉब्स किसे इसकी तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि जिस तरह से हॉब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण किया और मानव को बुरे बताते हुए राज्य की आवश्यकता पर बल दिया, उसी तरह से मैकियावेली ने भी मानव को बुरा बताते हुए, उसके स्वभाव को बुरा बताते हुए राज्य की आवश्यकता पर बल दिया। इसलिए मैकियावेली किसकी भांति राज्य की उत्पत्ति के में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो वो हॉब्स की भांति करता है। ठीक है, 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समाज में विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादन करने वाला विचारक है, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली, प्लेटो, एक्विनास। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा बी, मैकियावेली। मैकियावेली जो है समाज में कानून निर्माता या विधायक को सर्वोच्च स्थान देते हैं, उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि जो विधायक होते हैं, कानून निर्माता होते हैं, उसको वो श्रेष्ठ स्थान दे करके, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है, यही जो है श्रेष्ठ कानून का निर्माण करके कि समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो समाज में विधायक और कानून की निर्माता की आवश्यकता का प्रतिपादन करने वाला विचारक जो था वो मैकियावेली था। तो 15 का बी, मैकियावेली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि यह कथन किसका है कि एक राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। ए, गांधी, बी, अरस्तु, सी, बेंथम, डी, मैकियावेली। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा डी, मैकियावेली। अभी मैंने आपको बताया कि साधन साध्य ही साधनों का औचित्य है, तो उसी में मैंने बताया था कि उसी बात को देखो यहाँ स्टेटमेंट के रूप में मैकियावेली का है दिया गया स्टेटमेंट कि एक राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उसकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। मैकियावेली का स्टेटमेंट है ये। मैकियावेली ये कहना चाह रहा है कि राजा को अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, उसके लिए किसी भी प्रकार के साधन को अपनाना पड़े तो अपना लेना चाहिए, लास्ट में लोग साधन की आपकी तारीफ ही करेंगे, चाहे वो साधन बुरा हो चाहे अच्छा हो, अगर राज्य बच गया तो लोग उसकी तारीफ करेंगे। तो 16 का डी, मैकियावेली सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स कि कथन और कारण को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने उत्तर का चयन कीजिए। कथन कह रहा है कि मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था। कारण यह है कि धर्म सभ्य जीवन का आधार है और शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति भाग्य तथा सफलता लाती है। अब देखिए, दोनों कथन और कारण को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। मैकियावेली क्या कह रहे हैं कि मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था, ये सही है। मैकियावेली जो है मध्य युग में जो चर्च का राजनीति पर प्रभाव था, इसका वो विरोध करता था कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म विरोधी था, वो नास्तिक था। मैकियावेली धर्म की महत्ता को स्वीकार करता है, वो मानता है कि धर्म जो है सभ्य जीवन का आधार होता है, व्यक्ति जो है वो कानून मतलब राज्य की कानूनों का तो उल्लंघन एक बार कर सकते हैं, लेकिन वो धर्म के जो कानून होते हैं उसको ईश्वरीय आदेश मानकर के उसका पालन करते हैं, इसलिए धर्म जो है वो उसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति यदि धर्म का विरोध करने का प्रयास करेगा तो इसका मतलब राज्य का विनाश हो जाएगा, इसलिए वो धर्म का विरोध नहीं करते हैं, वो चर्च का विरोध करते हैं। वो मानते हैं कि धर्म जो है वो सभ्य जीवन का आधार है, समाज में शांति व्यवस्था लाने का और लोगों में एकता बनाने का एक साधन है। तो ये जो कथन जो है वो कहा गया है कि मैकियावेली चर्च विरोधी नहीं परंतु धर्म विरोधी था, ये सही है। और कारण भी उसका व्याख्या कर रहा है कि धर्म सभ्य जीवन का आधार है और शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति भाग्य तथा सफलता लाती है, ये भी सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की व्याख्या भी करता है, इसलिए हमारा उत्तर जो हो जाए ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि मैकियावेली किन दो प्रकार के शासन का विस्तार से वर्णन करते हैं, राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र का, कुलीन तंत्र एवं प्रजातंत्र का, राजतंत्र एवं तानाशाही का, राजतंत्र एवं गणतंत्र का। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा डी, राजतंत्र एवं गणतंत्र का। मैकियावेली अपनी पुस्तक प्रिंस में वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं और डिस्कोर्सेज नामक पुस्तक में वो गणतंत्र का समर्थन करते हैं। वो मानते हैं कि यदि समाज में सच्चरित्र लोग हैं, अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, तो ऐसे समाज के लिए जो है गणतंत्र शासन प्रणाली सबसे अच्छी होगी।
और अगर समाज में धूर्त लोग हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं, तो ऐसे समाज के लिए निरंकुश राजतंत्र जो है सबसे अच्छा होगा। तो मैकियावेली दो प्रकार के शासन का विस्तार से वर्णन करते हैं, राजतंत्र और गणतंत्र का। 18 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि मैकियावेली क्यों आधुनिक युग का जनक माना जाता है। शक्तिवादी राजनीति की प्रणेता होने के कारण, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक करने के कारण, राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक होने के कारण, उपर्युक्त सभी कारण। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। मैंने ऊपर ही आपको बताया कि मैकियावेली के विचारधारा में आधुनिक युग की बहुत सी विशेषताएं हैं जो उसको आधुनिक युग का जनक बनाती हैं, जिसमें शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता, मैकियावेली जो है शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता था, उसका मानना था कि राजा को शक्तिशाली होना चाहिए जिससे वो राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित कर सके। वो राजनीति को धर्म से नैतिकता से पृथक करता है, और ये बहुत बड़ा, अगर सब तीनों में से अगर देखो तीनों विशेषताएं जो हैं उसको आधुनिक युग का जनक बनाती हैं, लेकिन अगर तीनों में से एक छांटना होगा आपको तो बी सबसे होगा बढ़िया उत्तर हो जाएगा कि राजनीति का धर्म नैतिकता से पृथक करने के कारण उसको आधुनिक युग का हम जनक मानते हैं, तीनों में से अगर एक छांटना होगा तब। लेकिन अगर तीनों में से दिया है विकल्प उपयुक्त सभी, तो आपका उत्तर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। वो राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक था, वो धर्म और राजनीति को धर्म और राजनीति से अलग किया, वो शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता था, इस कारण हम उसको आधुनिक युग का जनक मानते हैं। तो 19 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मैकियावेली ने विधि का एकमात्र स्रोत किसे माना, ईश्वर को, प्रकृति को, विधायक को या जनसमूह को। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर सी, विधायक। वो विधि निर्माता है या विधायक, इनको जो है कानून का एकमात्र स्रोत मानते हैं कि कानून का निर्माण जो है इन्हीं से होगा, इनके द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वही कानून होगा, रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित कोई कानून को कानून नहीं मानते थे वो। तो 20 का सी, विधायक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि निम्न में से मैकियावेली के विषय में कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो पांच स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें बताना है मैकियावेली के विषय में कौन से सही हैं। ये है, मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप में गणतंत्र का और व्यवहारिक रूप में राजतंत्र का समर्थन किया, सही है। मैकियावेली ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अगर समाज में जो लोग सच्चरित्र हैं, अच्छे हैं, वो देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, तो ऐसे समाज के लिए जो है वो गणतंत्र अच्छा होगा, लेकिन ऐसा समाज मिलना मुश्किल है। इसीलिए कहा कि ये सिद्धांत में तो अच्छे लगते हैं लेकिन व्यवहार में ऐसा हमको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए उन्होंने उनको कहा था कि सैद्धांतिक रूप में उन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया। अब व्यवहारिक में क्या किया, उनको लगता था कि व्यवहार में ऐसे व्यक्ति जो है ऐसा समाज मिलना मुश्किल है जहाँ के लोग सच्चरित्र ईमानदार देशभक्त हों, क्योंकि वो मानते थे कि व्यक्ति जो है स्वार्थी होता है, ईर्ष्यालु होता है, लालची होता है, ये व्यवहारिक रूप से वो मानते थे। तो जब व्यवहारिक रूप में ऐसा मानते हैं वो, तो उनका मानना है कि अगर व्यवहार में ऐसा समाज है तो वहाँ के लिए राजतंत्र का समर्थन वो करते हैं। तो मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप में गणतंत्र का समर्थन किया और व्यवहारिक रूप में राजतंत्र का समर्थन किया, सही है। मैकियावेली ने प्रिंस के 18वें अध्याय में राजा के आचरण के सिद्धांत बताए, ये भी सही है। 18वें अध्याय में प्रिंस में जब आप पढ़ोगे उसमें राजा के आचरण की, राजा को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उसमें उन्होंने बताया। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि माना जाता है, ये भी सही है, अभी ऊपर चर्चा हुई। मैकियावेली का समय 1469 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक था, ये भी सही है। 1469 ईस्वी में उनका जन्म होता है, 1527 में मृत्यु होती है, तो उनका समय काल जो है 69 से लेकर 27 तक था, ये भी सही है। और मैकियावेली चर्च को राज्य का आधार मानते हैं, यही गलत है। मैकियावेली चर्च को राज्य का आधार नहीं मानते हैं, बल्कि वो तो चर्च से यानी धर्म से राज्य को अलग करना चाहते हैं। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 सही है, पांचवा गलत है। अब कूट को देखिए, कूट में देखिए सी वाला विकल्प 1, 2, 3 और 4 यही सही है, तो यही सही उत्तर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि मैकियावेली की शासन कला संबंधित पुस्तक कौन सी है, द गोल्डन एज, द प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वार। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा द प्रिंस। प्रिंस में उसने शासन की कला यानी कि राजा शासक को किस तरह से शासन करना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में उसने प्रिंस में चर्चा की है। इसके अलावा जितनी तीनों बुकें हैं वो भी मैकियावेली की हैं, गोल्डन एज मैकियावेली की है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस मैकियावेली की है, द आर्ट ऑफ वार ये भी मैकियावेली की पुस्तक है। तो इन पुस्तकों का नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जब मैकियावेली की पुस्तक कौन है कौन नहीं है इसको छांटना पड़ेगा तो आपको यह काम देगा। तो मैकियावेली की शासन कला संबंधित पुस्तक कौन सी है, द प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स
कि धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्र की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना करना राज्य के विनाश को जन्म देता है, यह कथन किसका है? ए मैकियावेली, बी ग्रीन, सी प्लेटो, डी एक्विनास। तो फ्रेंड्स देखिए, यह स्टेटमेंट जो है वो मैकियावेली का है। मैंने कहा कि मैकियावेली, ऊपर ही चर्चा हुई कि वह चर्च का विरोधी है, धर्म का नहीं। उसी परिप्रेक्ष्य में उसने कहा कि धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्र की महत्ता कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना राज्य के विनाश को जन्म देता है। यानी अगर हम धार्मिक संस्थाओं का पालन करेंगे तो राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन अगर कोई इसका विरोध करेगा धर्म का, धार्मिक संस्थाओं का, तो इसका मतलब राज्य में विनाश उत्पन्न हो जाएगा, विद्रोह पैदा हो जाएगा। तो वही बात को मैकियावेली ने लिखा है। तो 23 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स कि द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? ए डनिंग की, बी सेबाइन की, सी बर्लिन की, या डी साइमन की। तो फ्रेंड्स देखिए, यह जो पुस्तक है वो आइज़ा बर्लिन की है, यानी द ओरिजिनल ऑफ मैकियावेली ये आइज़ा बर्लिन की जो है वो सुप्रसिद्ध पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सी आइज़ा बर्लिन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि मैकियावेली राज की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्न में से किसे मानता है? ईश्वरीय शक्तियों को, मानव के सहयोगी और दयालुतापूर्ण स्वभाव को, मनुष्य स्वभाव के स्वार्थी और आसुरी प्रवृत्ति को, मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या होगा? सी। मैंने अभी कहा कि मैकियावेली जो है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वो हाफ से उसका जो है समानता है, हाफ से निकटता है, उस पर हाफ का प्रभाव है। हाफ ने जिस तरह से मानव के बुरे पक्ष का वर्णन करते हुए राज्य की आवश्यकता पर बल दिया, उसी तरह मैकियावेली ने भी किया। इसीलिए मैकियावेली मानव के स्वार्थी और आसुरी प्रवृत्ति को राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण मानता है, क्योंकि जब व्यक्ति बुरा था इसीलिए राज्य की आवश्यकता हुई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि किसके अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था? डनिंग, बोंदा, फाइनर, या कैटलिन? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा डी कैटलिन। कैटलिन का स्टेटमेंट था कि मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी कैटलिन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन मैकियावेली की रचना नहीं है? ए आर्ट ऑफ वार, बी डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, सी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डी डी सीवे। तो फ्रेंड्स देखिए, डी सीवे ये जो है हाब्स की पुस्तक है, इसको छोड़कर के बाकी तीनों जो है वो मैकियावेली की रचना है। तो डी सीवे यही जो है हाब्स की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 27 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स कि मैकियावेली विश्वास करते हैं? ए व्यक्ति की स्वतंत्रता में, बी राज्य साधन है, सी राज्य धार्मिक सत्ता के अधीन है, डी राज्य की सर्वोच्चता एवं सुरक्षा में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? डी राज्य की सर्वोच्चता और सुरक्षा में। मैकियावेली जो है वो राज्य की सर्वोच्चता और सुरक्षा में विश्वास करते हैं कि राज्य की सर्वोच्च होना चाहिए और वो सुरक्षित होना चाहिए। इसीलिए वो राजा को कहते हैं कि वो राजा जो है शेर के समान जो है ताकतवर और लोमड़ी के सामने चलाक हो, वो राज्य की सुरक्षा के संबंध में किसी भी चीज़ को ना माने, नैतिक अनैतिक सभी आचरण को अपना सकता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि मैकियावेली की प्रिंस हुआ महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक परंपरा से नाता तोड़ दिया, यह कथन किसका है? गैटेल का, डनिंग का, गार्नर का, या मैक्सी का? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा डनिंग, बी डनिंग। डनिंग ने मैकियावेली के विषय में यह स्टेटमेंट दिया कि मैकियावेली की प्रिंस वह महान रचना है जिसने मध्ययुगीन राजनीतिक परंपरा से नाता तोड़ दिया, क्योंकि मैकियावेली से ही मध्ययुग का अंत होता है और आधुनिक युग का प्रारंभ हो जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में डनिंग का यह स्टेटमेंट है। तो 29 का बी डनिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स कि मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार में किन तत्वों से परिचालित होता है? भय से, प्रेम से, ए और बी दोनों से, या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों। मैकियावेली का मानना है कि मानव स्वभाव में, मानव के अंदर जो है भय और प्रेम दोनों तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं दोनों तत्वों से व्यक्ति जो है वो संचालित होता है या परिचालित होता है, इन दोनों तत्वों के आदेश पर वो चलता है। लेकिन वो कहते हैं कि दोनों तत्वों में भय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। व्यक्ति जो है किसी से प्रेम तभी करता है जब उसको भय होता है, यानी भय के कारण ही वो प्रेम करता है। तो व्यक्ति के अंदर दोनों तत्वों को मैकियावेली स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर दोनों तत्वों में सबसे ज़्यादा किसको वो प्रबलता देते हैं तो वो भय को देते हैं। तो 30 का सी आ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? द प्रिंस में,
डिस्कोर्सेज में, द आर्ट ऑफ वार में, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप समझ गए होंगे, डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्सेज में वो जो है गणराज्य का समर्थन करते हैं और द प्रिंस में वो निरंकुश राज्य का समर्थन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स कि मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस 1532 किसको समर्पित की। देखिए द प्रिंस की रचना जो है वो 1513 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन इसको प्रकाशित जो है 1531 और 32 में किया गया था। तो कहीं 31 मिलता है, कहीं 32। तो मैकियावेली की जो प्रिंस है वो 32 जो है, प्रश्न पूछ रहा है किसको समर्पित की, चर्च को, लारेंजो द मेदिची को, जॉन्स को, मुअम्मर गद्दाफी को। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा बी, लारेंजो द मेदिची, यानी फ्लोरेंस का जो शासक था उसको इन्होंने प्रिंस को अपनी रचना को जो है समर्पित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी, लारेंजो दी मेदिची सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स कि अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन किया, डिस्कोर्सेज, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर मैंने अभी आपको बता दिया था, द प्रिंस। डिस्कोर्सेज में उन्होंने गणराज्य का समर्थन किया और प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन किया। तो 33 का बी, द प्रिंस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स कि किस विचारक को शैतान का सागिर्द तथा तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है, लाक को, रूसो को, बेंथम को, या फिर मैकियावेली को। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर होगा डी, मैकियावेली। मैकियावेली की आलोचना में उसको लोग कहते हैं, उसकी विचारधारा को की आलोचना में कि यह शैतान का सागिर्द है और तानाशाहों का उस्ताद है। तो 34 का डी, मैकियावेली सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसके अनुसार मैकियावेली के लिए यह कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे यह कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है। तो फ्रेंड्स देखिए यह स्टेटमेंट जो है जो दिया गया है वो डनिंग का है, लाक, बूंदा, हाफ्स ये विकल्प में दिए गए हैं, लेकिन डनिंग जो है इसका उत्तर सही है। डनिंग ये कहते हैं कि अगर यह आप कह रहे हैं कि मैकियावेली आधुनिक युग का प्रारंभ करता है तो यह उसी प्रकार सही है कि वह जो है मध्य युग को समाप्त करता है, क्योंकि मध्य युग का जब समाप्त होगा तभी आधुनिक युग का उदय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी, डनिंग सही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन को सेट मैं आपके सामने लाता रहूं, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट की वीडियोज मैं आपके सामने लाता रहूं और आपकी तैयारी के बेहतर से बेहतर बनाता रहूं, तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।